पूरे विभाग को बंधन देने और इस जोड़े से इस परिवार के मेरे नाम की उनका इस्तेमाल करना चाहिए और आगे भी उनका इस्तेमाल करना मसीह के नाम से तेरे नाम की महिमा करें यसु मसीह के नाम से धन्यवाद कि तुमने इनको अच्छा पासवान बनाया इसलिए धन्यवाद तेरी सामर्थ्य बरा तेरे वचनों से तेरे कलाम से बरा तेरी पवित्र आत्मा से बना इसलिए धन्यवाद तेरी अगुवाई हमेशा चलते रहेंगे तो मार्गदर्शन कर यसु मसीह के नाम से सब कुछ तेरे अधीन करना तेरे समर्पित करते हैं करो करो ओके 1 2 3 सब लोग बैठ जाओ बैठ जाओ अपने अपने जगह पे ये जो चल रहा है इसके लिए एक मिनट लगेगा सर हाँ कर दो एक मिनट लगेगा ओके सब लोग इधर जरा ध्यान से देखिए आज गुरु का एनिवर्सरी है और आज हम यहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए आए और एक छोटा सा सॉन्ग मैं गाना चाहता हूँ इन दोनों के लिए और वो सॉन्ग आप सबको सुनना है जैसे कि हम लोग मुंबई में रहते हैं और मुंबई के लोग मुझे पता है सब एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं तो इस गीत में उर्दू लफ्ज ज़्यादा है तो मुझे लगता है मुझे भरोसा आप सबको समझ में आएगा खुदावन यीशु मसीह बाइबल में क्या लिखा है हस्बैंड वाइफ के बारे में उनका रिश्ता कैसा होना चाहिए उसके बारे में इस गीत में लिखा हुआ है तो मैं आपके सामने गाता हूँ आप सुनिए जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना कभी उनको जुदा ना करना अनमोल घड़ियों की लड़ियों से उनको जुदा ना करना कभी उनको जुदा ना करना शोहर से यूं पहले वफा हो जैसे खुदावन से इज्जत करना डरती रहना जैसे खुदावन से जैसे खुदावन से सुख दुख में तू लिपटी रहना दिलो जा से जुदा ना करना दिलो जा से जुदा ना करना जिनको खुदा ने जिनको खुदा ने जोड़ा है कभी उनको जुदा ना करना कभी उनको जुदा ना you for the afternoon to say thank you so much thank you